तो दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लैंड वोमेन वर्सेस स्कॉटलैंड वोमेन के बीच वोमेन्स T20 वर्ल्ड कप का दोस्तों जो 17वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो एक तरफ इंग्लैंड वोमेन की टीम अभी तक दो मुकाबले खेली है और दोनों का दोनों मुकाबले जीती है, बहुत अच्छी फॉर्म में है। और दूसरी तरफ है दोस्तों स्कॉटलैंड वोमेन की टीम जो कि एलिमिनेट हो चुकी है, और तीन मुकाबले तो इन्होंने खेला है लेकिन तीनों मुकाबले में दोस्तों इनका हार ही मिला है। तो ये दोस्तों इनके लिए एक तरह से कह सकते हैं औपचारिकता तौर पर इस मुकाबले में खेलने वाली हैं और इनकी तरफ से भी बदलाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग खास करके जानेंगे कि कौन से गिने चुने दो तीन खिलाड़ी हैं और स्कॉटलैंड वोमेन की तरफ से जो कि इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगी, और क्या हमें इंग्लैंड वोमेन की तरफ से 7 खिलाड़ी या 8 खिलाड़ी को अपनी टीम में रखना है या फिर नहीं रखना है, और दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाना है। तो गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है ये दोस्तों 13 तारीख को दोपहर में 3:30 बजे से खेला जाएगा। और इसके बाद दोस्तों जो इंडिया का मुकाबला है वो भी दोस्तों मैंने वीडियो अपलोड कर दी है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, तो नहीं देखी है जाकर देख लीजिए। और ये मुकाबला शारजाह क्रिकेट स्टेडियम पर ही खेला जाएगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर टोटल 18 मुकाबले हुए हैं, पहले बैटिंग करने वाली टीम 9 बार और चेस करने वाली टीम 9 बार जीती है। तो टॉस उतना मायने तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो रिसेंट में मुकाबले यहाँ पर हो रहे हैं ज्यादातर मुकाबले चेस करने वाली टीम जीत रही है। तो जो भी टीम चेस करेगी उनका जीतने का चांसेस ज्यादा है। और इस मुकाबले में तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करेगी तो आपको हाई स्कोरिंग मैच भी देखने को मिल सकता है, और स्कॉटलैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो लो स्कोरिंग मैच होगा। एवरेज स्कोर 120-15 के आसपास देखने को मिलेगा, हाईएस्ट स्कोर 191 रन का, 51 रन का श्रीलंका का है, लोएस्ट स्कोर भी श्रीलंका का है 69 रन का। स्कोरिंग पैटर्न 16 बार यहाँ पर 150 के नीचे स्कोर बना है, 150 और 70 के बीच में 2 बार स्कोर बना है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर पूरी डिटेल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के तीन मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला खेला गया वो श्रीलंका का खेला गया जो कि 115 रन की टारगेट दी थी, जो कि न्यूजीलैंड वोमेन बहुत आसानी से टारगेट चेज कर ली, 8 विकेट से जीती जिसमें स्पिनर्स को 7 विकेट मिली और फास्ट बॉलर को 1 भी विकेट नहीं मिली। और उससे पहले वेस्ट इंडीज वोमेन ने 8 विकेट से एक बार फिर से हराया था बांग्लादेश को जिसमें फास्ट बॉलर को तो मात्र 1 विकेट मिली और स्पिनर्स को 8 विकेट। तो देख ही सकते हैं कि पिछले दो मुकाबले में स्पिनर्स को इस ग्राउंड पर कितना मदद मिला है। और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया वोमेन जीती थी 60 रन से, न्यूजीलैंड वोमेन को हराई थी जिसमें फास्ट बॉलर को 11 विकेट और स्पिनर्स को 7 विकेट मिली थी। तो रिसेंट के तीन मुकाबले में तो आपको दो मुकाबले में तो देख रहे हैं कि स्पिनर्स को तो पूरी डोमिनेशन मतलब पूरा डोमिनेशन मिल रहा है, पूरा विकेट मिल रहा है। तो जो रिसेंट के तीन मुकाबले हुए हैं इन तीनों मुकाबले मिलाकर स्पिन बॉलर को 22 विकेट मिली है और फास्ट बॉलर को मात्र 12 विकेट। तो इस मुकाबले में भी आपको स्पिन बॉलर पर फोकस करना है, और कौन से स्पिन बॉलर को लेना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 4 विकेट और स्पिनर्स को 16 विकेट मिली है, सेकेंड इनिंग में 8 विकेट और फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 6 विकेट। तो ये होगी हमारी पूरी डिटेल पिच रिपोर्ट दोस्तों। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों टीम्स के बीच अभी तक एक भी हेड टू हेड मुकाबला नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस मुकाबले में मैं आपको बता दूं कि ये पहला मुकाबला है दोनों टीम्स का हेड टू हेड का। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो इंग्लैंड का बहुत बेहतर है, 5 में से 4 मुकाबले जीते हैं, और स्कॉटलैंड भी दोस्तों 5 में से 2 ही मुकाबला जीते हैं लेकिन अपना पिछला 3 मुकाबला हार कर आ रहे हैं। तो स्कॉटलैंड तो वैसे भी खराब परफॉर्मेंस दे ही रहे हैं। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी इस मुकाबले में इंग्लैंड वोमेन की प्लेइंग 11। तो बिल्कुल सेम प्लेइंग 11 रहेगी पिछले मैच की तरह। वाउचर ओपनिंग करेंगी डेनियल वेट के साथ, फिर एलिसा कैप्सी आएंगे, फिर नैट स्किब्रियर ब्रंट, फिर हेल्दियर नाइट, फिर एमी जोन्स, फिर डेनियल गिब्सन, इलेक्स्टोन आएंगे, फिर चार्ली डीन, सारा ग्लेन और लिंसी स्मिथ। तो इनके जो बॉलर्स है बहुत ही ज्यादा धमाल मचा रहे हैं, हर मुकाबले में 2-2, 3-3 विकेट ले रहे हैं सारे बॉलर्स। तो इस मुकाबले में भी आपको इंग्लैंड वोमेन के बॉलर्स पर फोकस करना है। अब बात आ जाती है दोस्तों पावर प्ले में कौन कौन से बॉलर बॉलिंग कराएंगे। तो पावर प्ले में नैट स्किब्रियर ब्रंट 2 बार बॉलिंग कराएंगे, लिंसी स्मिथ 2 बार बॉलिंग कराएंगे, चार्ली डीन 2 बार बॉलिंग कराएंगे, आखिरी ओवर में इलेक्स्टोन 1 ओवर और नैट स्किब्रियर ब्रंट 1920 ओवर में बॉलिंग कराएंगे। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर पूरी प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर और सारा डिटेल। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं सारे खिलाड़ियों के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप लोग रिसेंट परफॉर्मेंस देखिएगा तो टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी इनके अच्छे फॉर्म में है। मियां वाउचर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है लेकिन डेनियल वेट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। मियां वाउचर पिछले मुकाबले में 8 रन, फिर 23 रन, 12 रन, और डेनियल वाउचर दोस्तों 43 रन और 41 रन, 2 मुकाबले इन्होंने खेला है, दोनों मुकाबले में परफॉर्मेंस अच्छा है। तो ग्रैंड लीग की अगर आप लोग टीम बना रहे हैं, अगर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तो उसमें आपको वाउचर पर ज्यादा फोकस करना है,
क्योंकि परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, तो हो सके स्कॉटलैंड वुमेन के खिलाफ ये अर्ध तक की पारी खेल जाए। रिसेंट में भी इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। स्मॉल लीग के लिए सेफ ऑप्शन नहीं है, लेकिन ग्रैंड लीग में चाहे आप लोग स्मॉल लीग में एज अ डिफरेंशियल ऑप्शन रख सकते हैं। डेनियल वेट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, रिसेंट में भी अच्छा परफॉर्मेंस की थी और उससे पहले 43 रन और 41 रन की पारी खेली है अभी दोस्तों इस वर्ल्ड कप में। नैट स्क्यूबियर ब्रंट की बात करें तो इनका भी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, पिछले मुकाबले में 48 रन नॉट आउट, उससे पहले बैटिंग से तो फ्लॉप हो गई थी लेकिन बॉलिंग से विकेट ली थी और उससे पहले 31 रन, फिर 12 रन एक विकेट, फिर 34 रन दो विकेट, तो कप्तान वाइस कप्तान के लिए भी बेस्ट ऑप्शन रहेंगी। तो दोस्तों जो टॉप के तीन खिलाड़ी हैं उनमें से एम बाउचर आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, बाकी डेनियल वेट और नैट स्क्यूबियर ब्रंट ये दोनों सेफ ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग के लिए। एलिसा कैप्सी की बात करें तो ये भी स्मॉल लीग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगी क्योंकि भले ही पिछले मुकाबले में फ्लॉप हुई हो, मतलब पिछले मुकाबले में तो 19 रन की इनको स्टार्ट मिला था, उससे पहले फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं क्योंकि स्कॉटलैंड वुमेन की टीम उतनी मजबूत नहीं है, तो एलिसा कैप्सी पर भी आप लोग फोकस कर सकते हैं। बाकी नाइट की बात करें और एमी जोन्स, तो इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, तो अगर इंग्लैंड वुमेन की टीम पहले बैटिंग करती है तब इनके बल्ले से 25 से 30 रन लगते हुए दिख सकता है। हालांकि पिछले मुकाबले में 0 रन पर आउट, मतलब 0 रन ही बनाने पाई थी, नॉट आउट रही थी, और एमी जोन्स भी दोस्तों 12 रन नॉट आउट रही थी, तो दोनों खिलाड़ी ज्यादातर नॉट आउट ही रहती हैं क्योंकि बैटिंग ऑर्डर नीचे है। तो अगर पहले बैटिंग करेगी इंग्लैंड वुमेन की टीम तभी आपको इनको लेना है, नहीं तो आपको टॉप के चार खिलाड़ियों पर ही सीमित रह जाना है। अब नीचे से बात करें तो डेनियल गिब्सन का परफॉर्मेंस उतना कुछ खास तो नहीं है, पिछले मुकाबले में बॉलिंग नहीं कराई थी, उससे पहले 24 रन, बॉलिंग से विकेट नहीं मिला, रिसेंट में इनको ज्यादा अच्छा खासा विकेट मिल रहा था। तो दोस्तों अगर डेनियल गिब्सन इस मुकाबले में भी बॉलिंग नहीं कराती हैं तब तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है, तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। तो दोस्तों टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फटाफट से ज्वाइन कर जरूर कर लीजिएगा। अब जो चार मेन बॉलर हैं, इन चारों आप बॉलर्स को आपको अपनी टीम में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर और एक्सपीरियंस वाली सोफिल स्टोन है जो कि पिछले मुकाबले में दो विकेट मिला था, बाकी सारे बॉलर्स को एक एक विकेट मिला है पिछले मुकाबले में। चार्ली डीन अभी तक दो मुकाबले में तीन विकेट ले चुकी हैं, सारा ग्लीन दो मुकाबले में दोस्तों दो विकेट, और यहाँ पर दोस्तों नीचे से बात करें लिंसी स्मिथ दो मुकाबले में तीन विकेट, तो सारे बॉलर्स परफॉर्मेंस अच्छा है। तो इस मुकाबले में अगर इंग्लैंड वुमेन की टीम पहले गेंदबाजी करती है तब आपको चारों बॉलर्स को अपनी टीम में रखना है, नहीं तो अगर इंग्लैंड वुमेन की टीम बाद में बॉलिंग करती है तब दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक बदलाव कर सकते हैं कि सारा ग्लीन की जगह पर चाहें तो यहाँ पर एम बाउचर को रख लीजिएगा, क्योंकि अगर इंग्लैंड वुमेन की टीम पहले बैटिंग करेगी तब आप लोग नाइट को भी रख सकते हैं और एमी जोन्स को भी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं और दोस्तों इसके बाद आगे स्कॉटलैंड वुमेन की, तो उससे पहले मैं आप सभी को बोल दूं कि टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, और मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और अगर आपको सारे मैचेस की सबसे पहले अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं, तीन में से खेलने का चांसेस किसी का नहीं है, थोड़ा बहुत भी नहीं है, क्योंकि लगातार अभी प्लेइंग 11 अच्छा चल रहा है इनका और विनिंग प्लेइंग 11 है, तो कम ही चांस है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11 और स्कॉटलैंड वुमेन की, क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड तो अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पर इधर से आपको हॉर्ली सियाका हॉर्ली आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे सारा ब्राइंस के साथ, फिर क्रिथिन ब्राइंस आएंगे जो कि कप्तान है, एलिसा लिस्टर, फिर यहाँ पर प्रियनाजा चटर्जी, फिर यहाँ पर डार्सी क्रैटर, उसके बाद लॉरेंस जैक, फिर यहाँ पर क्रेथरिन फ्रेसर, फिर ओ ओलेबिया बेल, उसके बाद रिचल स्लेटर, और यहाँ पर दोस्तों अफ्ताब मकसूद। दोस्तों प्लेइंग 11 इनकी ये रहने वाली है, और इनकी तरफ से आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि भले ही इनका परफॉर्मेंस खराब है और तीन मुकाबले ये हारी हैं, लेकिन जरा सा भी टस का मस इनका प्लेइंग 11 नहीं हुआ है, शुरू से लेकर अभी तक प्लेइंग 11 बिल्कुल सेम है, थोड़ा बहुत बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन प्लेइंग 11 सेम ही है। पावर प्ले में रिचल स्लेटर और क्रिथी ब्राइंस तो कंफर्म है कि बॉलिंग कराएंगे और इनका साथ है निभाने ओ बेल आएंगी, और आखिरी ओवर में रिचल स्लेटर और क्रिथी ब्राइंस आपको 19-20 के ओवर में बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। तो ये रहेगी दोस्तों अब इनकी प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर। अब स्कॉटलैंड वुमेन का रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो जैसा इनका परफॉर्मेंस है उसी टाइप से इनका रिसेंट फॉर्म भी है, बहुत ही खराब है। टॉप ऑर्डर से दोस्तों सियाका हॉर्ली की बात करें तो पिछले तीन मुकाबले तो जो खेली हैं उसमें से इनका पहले मुकाबले में परफॉर्मेंस अच्छा था जो कि तीन विकेट मिल गया था, लेकिन उसके बाद परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन है। सारा ब्राइंस का दोस्तों पिछले दो मुकाबले से फ्लॉप चल रही है, लेकिन पहले मुकाबले में 49 रन की पारी खेली थी। क्रिथ्री ब्राइंस भी दोस्तों इनका परफॉर्मेंस ठीक है, तो टॉप ऑर्डर से क्रिथ्री ब्राइंस पर आपको फोकस करना है, थोड़ा बहुत सारा ब्राइंस पर भी फोकस करिएगा क्योंकि एक्सपीरियंस बेसिस अच्छे खिलाड़ी हैं, रिसेंट में भी दोस्तों अच्छी खासी पारी खेली है, 54 रन की, 52 रन की, 60 रन की, 24 रन की, 49 रन की,
भले ही पिछले दो मुकाबले में फ्लॉप हुई हूँ, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज हो सके इस मुकाबले में अच्छा खेले। तो दोस्तों सियाका हॉर्ली को ड्रॉप करके आप लोग नीचे से ये दोनों को फोकस जरूर करिएगा। अब बाकी एलेसा लिस्टर की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। पिछले तीन मुकाबले में दोस्तों 12 रन, 11 रन की पारी खेली और एक मुकाबले में 26 रन की। उससे पहले लगातार इन्होंने फ्लॉप परफॉर्मेंस ही दी है। तो एलेसा लिस्टर ये दोस्तों खास करके ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो इन पर आपको मेगा ग्रैंड लीग में फोकस करना है। तो चटर्जी की बात करें तो पिछले मुकाबले में मात्र 4 रन की पारी खेली। उससे पहले बॉलिंग से तो नहीं, मतलब बैटिंग से नहीं, लेकिन बॉलिंग से इनको विकेट मिला, और उससे पहले मात्र 5 रन। तो बैटिंग से अभी तक 10 रन से ऊपर इन्होंने स्कोर नहीं किया है, लेकिन बॉलिंग से एक विकेट मिला है। रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, 30 रन, 32 रन, 36 रन, एक एक विकेट, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगी या नहीं। तो ये भी केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। और यहाँ पर ड्रेवसी क्रैटर की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं है, और ये मेन बॉलर भी नहीं है, कभी कभी बॉलिंग मिलता है, नहीं मिलता है, तो इन पर भी आपको केवल मेगा ग्रैंड लीग में फोकस करना है। तो टॉप के दो खिलाड़ी पर, सारा ब्राइंस और पृथ्वी ब्राइंस, इन दोनों पर फोकस करने के बाद डायरेक्ट दोस्तों आपको इनके बॉलर्स पर फोकस करना है, क्योंकि बीच में जो सारी खिलाड़ियां हैं सारी दोस्तों इनके इनसे बेहतर आपको इंग्लैंड वोमेन में मिल जाएगी। तो आपको केवल पॉइंट्स इकट्ठा करना है, तो पॉइंट्स तो इकट्ठा तो दोस्तों इंग्लैंड वोमेन के खिलाड़ी आपको ज्यादा देंगी, तो इसलिए आपको उनकी तरफ फोकस करना है। लॉरेन जैक की बात करें तो परफॉर्मेंस बहुत खराब है, ज्यादातर रिसेंट में सिंगल डिजिट में ही उन्होंने स्कोर किया है। क्रिस्टिन फ्रेसर की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा ठीक है, पिछले मुकाबले में 14 रन, 1 विकेट, उससे पहले 6 रन, फिर उससे पहले 2 रन, 1 विकेट। ओलिविया बेल की बात करें तो लगातार 3 मुकाबले में इनको 4 विकेट मिला है, रिचर्ड स्लेटर को 2 विकेट, और मकसूद को तो दोस्तों विकेट ही नहीं मिला है पिछले 4 मुकाबले में। तो नीचे से मकसूद तो दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप लोग चाहें तो ओलिविया बेल और रिचर्ड स्लेटर पर फोकस कर सकते हैं, खास करके ओलिविया बेल जो कि 4 विकेट ली है, तो इस मुकाबले में ओलिविया बेल थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, बाकी रिचर्ड स्लेटर ग्रैंड लीग के लिए। तो इधर से जो दोस्तों ज्यादातर खिलाड़ी परफॉर्मेंस खराब ही है, तो आपको इंग्लैंड वोमेन की तरफ ही फोकस ज्यादा करना है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई है। तो 3 मुकाबले हारने के बाद बदलाव नहीं दिखा, तो हो सके इस मुकाबले में भी नहीं दिखे, आखिरी मुकाबला है, तो बैटिंग या बॉलिंग से दोस्तों दो दो खिलाड़ी बेंच पर इनकी बैठी हुई है, तो मौका भी मिल सकता है। चौ लेवल खेलती है, तो रिसेंट के 2 मुकाबले में 5 विकेट ली है, तो ट्रम्प प्लेयर हो सकती है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर, क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड तो अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों जो टीम कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से है, मैंने यहाँ पर इंग्लैंड वोमेन की तरफ से 7 खिलाड़ी को रखा है, और स्कॉटलैंड वोमेन की तरफ से 4 खिलाड़ी, और टॉस के हिसाब से कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपको टेलीग्राम पर जुड़ जाना है। और स्कॉटलैंड वोमेन की तरफ से सारा ब्रायंस को मैंने विकेट कीपर से लिया है, और वाइस कैप्टन मैं क्रिथ्री ब्रायंस को बना रहा हूँ, फिर एस होरली को मैंने लिया हूँ, और यहाँ पर दोस्तों ओलिवर बेल को मैंने लिया है। तो 4 यहाँ पर मैं खिलाड़ी ले रहा हूँ स्कॉटलैंड वोमेन की तरफ से, और कप्तान हमारे रहेंगे नॉट अस कुब्रिया ब्रंट, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगी। इंग्लैंड वोमेन की तरफ से मैं बाउचर पर फोकस कर रहा हूँ, जो कि ओपनिंग करेंगे यहाँ पर डेनियल वेट के साथ, और इनके साथ दोस्तों मिडल ऑर्डर से मैंने एलिसा कैप्सी को लिया है, लिंसिया स्मिथ, चेयर डेन, उसके बाद सॉफी एलेक्स स्टोन। तो यहाँ पर आप लोग एक बदलाव कर सकते हैं कि मैन बाउचर की जगह पर आप लोग चाहें तो यहाँ पर सारा ग्लीन को ले सकते हैं इंग्लैंड वोमेन की तरफ से, जिनका बॉलिंग में भी तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, लेकिन मैं बाउचर पर थोड़ा सा रिस्क लेकर इनको अपनी टीम में रखा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।